साथियों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल खेती बाड़ी विद जय। और ये जो धान की किस्म आप देख पा रहे हैं, ये 1153 है। और अब जहाँ तक देखेंगे, फसल काफ़ी अच्छी दिखाई देगी आपको। और ये जो पिछले साल हमने सिंधु धान लगाया था, उसी रेंज की ये धान है। और ये 115 से 120 दिनों का धान है। और आप इसमें देख पा रहे हैं, बालियाँ इसकी काफ़ी अच्छी आई हुई है। और ये जो धान है, ये हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो मैदानी इलाके हैं, वहाँ पर काफ़ी अच्छा इसका परफॉर्मेंस रहा है। और इसमें पिछले वर्ष भी कई किसानों ने इस धान को लगाया था और काफ़ी अच्छा उत्पादन इससे लिया हुआ था। तो इस साल हमने भी ये सिंधु धान की जगह पे ये 1153 धान लगाया हुआ है। साथ ही हमने कुछ सिंधु धान भी लगाया हुआ है, तो इस साल इसका भी उत्पादन काफ़ी अच्छा आने की उम्मीद है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा साथियों, किसान भाइयों, कि इस पे जो बीमारियों का प्रकोप है, जैसे कि ये तना छेदक है, भूरा माहू है, और आपका फफूंद जनित रोग में सीड ब्लाइट है, इसका प्रकोप लगभग ना के बराबर रहा है। और इस साल लगभग सभी फसलों में ये जो बीमारियाँ हैं, उसका प्रकोप नहीं के बराबर था। और पिछले वर्ष भी जो किसान भाई इसको लगाए थे, उनमें भी ये बीमारियां जो हैं इसमें नहीं थी। और इसकी एक बहुत बड़ी खासियत ये है कि ये जो है लॉजिंग रेजिस्टेंट है, अर्थात ये गिरने के प्रति सहनशील है, ये आसानी से गिरता नहीं है। आप देख पा रहे होंगे, अभी कुछ दिनों पूर्व काफ़ी अच्छा खासा आंधी तूफान आया था और ये कहीं पर भी आपको ये फसल गिरा हुआ नहीं दिख रहा है। और आप देख पा रहे होंगे इसकी जो बालियाँ हैं, काफ़ी अच्छी आई हुई हैं। और इसमें जो बीमारियों का प्रकोप है, वो भी कम है। साथ ही साथ ये जो धान है, ये थोड़ी सी कम अवधि की धान है, जिस कारण ये पानी की जो समस्या है इसमें नहीं आती है। और ये विभिन्न जो बीमारियां हैं, उनका भी प्रकोप इसमें कम है। तो ये जो किसान भाई जो कम जो लागत में अच्छा फसल लेना चाहते हैं, उनके लिए ये जो 1153 धान है, वो काफ़ी अच्छा उत्पादन दे सकता है और मुनाफे का सौदा साबित हो सकता है। इसके पूर्व हम लोगों ने सिंधु लगाया था और इस वर्ष भी हम लोगों ने लगाया है, उसमें भी यही सेम रिज़ल्ट है। और कुछ खेत इधर हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये भी वही सेम कंडीशन में ही है। और ये देख पा रहे होंगे, ये पानी की निकासी के लिए इस पर नालियाँ बनाई गई हैं। और तो मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि आप भी ये इस वैरायटी की धान लगाकर अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं और ये बीमारियों का प्रकोप भी इसमें काफ़ी कम है। साथ ही साथ ये गिरने के प्रति भी सहनशील है, आसानी से गिरता नहीं है। और इस तरफ जो धान आप देख पा रहे होंगे, ये एक हमारे किसान भाई हैं, उन्होंने लगाया हुआ है। ये थोड़ी सी लेट वैरायटी की धान है, थोड़ी सी नहीं, काफ़ी लेट वैरायटी की धान है। और ये अभी इसमें जो है देख पा रहे होंगे, ये अभी ये बालियां जो है इसमें निकलने के स्टेज पे आई हुई है। तो साथियों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि हमारी जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।